चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे नुनिया। फिल्म तीसरी कसम में यह दुखद था कि शैलेंद्र अपनी उत्कृष्ट कृति पर सभी आलोचकों की प्रशंसा देखने के लिए जीवित नहीं रहे थे। शैलेंद्र तीसरी कसम फिल्म के निर्माता थे। लाली लाली दुनिया में लाली रे दुल्हनिया। महान दिमागों और दिग्गजों की बड़ी प्रतिभाओं के सहयोग से फिल्म तीसरी कसम बनी थी। जब यह फिल्म 1966 में यानी 1966 में रिलीज हुई थी, तब उम्मीद की जा रही थी कि यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक होगी। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी निशान के डूब गई, जिससे फिल्म इंडस्ट्री स्तब्ध रह गया और फिल्म के निर्माता शैलेंद्र का दिल टूट गया। और वे वित्तीय संकट में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा के गीतकार इस झटके को सहन नहीं कर सका और 14 दिसंबर 1966 को संयोग से उनके सबसे करीबी अच्छे मित्र राज कपूर के जन्मदिन पर उनका निधन हो गया। शैलेंद्र केवल 43 वर्ष के थे। शैलेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में राज कपूर के बहुत करीबी थे, गहरी मित्रता थी। जब यह फिल्म बनाने की सोची तो सबसे पहले उनके दिल और दिमाग में राज कपूर ही थे। मुझे मालूम है, कंपनी के लोग हरदम चाह पीते रहते। राज कपूर बहुत बड़े स्टार शोमैन थे, तो उस वक्त शैलेंद्र भी सबसे सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे। वहीदा रहमान जी एक साक्षात्कार में कहती हैं कि शैलेंद्र राज कपूर के आदमी थे। उन्होंने अपने सबसे मशहूर गाने लिखे और रोजाना आरके स्टूडियो में होते थे। एक दिन उत्साह की स्थिति में फिल्म की कहानी सुनाने राज कपूर के पास पहुंचे और कहा कि वह एक फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं। राज कपूर ने कहा, आप एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आप मुझे लेने जा रहे हैं। शैलेंद्र क्या कह सकते थे। राज कपूर साहब ने काम करना स्वीकार कर लिया। फिर गंभीरता पूर्वक बोले, मेरा प्रश्रमिक एडवांस देना होगा। यह बात सुनते ही शैलेंद्र का चेहरा उतर गया। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो एक रुपया, मेरा प्रश्रमिक पूरा एडवांस। आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगा, लीजिए लीजिए। अनेकों समस्याओं से जूझते हुए तीसरी कसम 3 वर्ष में बनकर पूरी हुई थी और 1966 में रिलीज हुई। तीसरी कसम के वितरण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन दिनों इस तरह की फिल्मों को रिलीज करना बहुत मुश्किल था। भले इसमें बड़े सितारे हों, इसमें शैलेंद्र बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो एक व्यवसायी नहीं थे, वो एक कवि थे। पहले तो सोचा गया कि फिल्म को रंगीन बनाई जाए या ब्लैक एंड व्हाइट में बने। इस फिल्म मूल भाव गांव के चरित्र चित्रण पर आधारित थी। फिल्म गंभीर पृष्ठभूमि के भाव पर आधारित थी, तो यह तय हुआ कि इस फिल्म की गहराई ब्लैक एंड व्हाइट में ही अच्छी तरह उतर पाएगी। वैसे भी इस फिल्म में पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी टीम विमल रॉय वाली ही थी, जिन्होंने 2 बीघा जमीन बनाई थी। लेकिन राज कपूर साहब ने इस फिल्म को किसी तरह की जोखिम न उठाते हुए रंगीन बनाने की सलाह रखी थी, क्योंकि इस फिल्म में 2 बरस पहले राज कपूर साहब की संगम रिलीज हुई थी, जो सफल रही थी। कलर की दुनिया आ गई थी। इस फिल्म की कल्पना मधुमती के सेट पर की गई थी, जहां बसु भट्टाचार्य ने शैलेंद्र को कहानी से परिचित कराया था। फणीश्वरनाथ रेणु की यह लघु कथा मारे गए गुलफाम पर आधारित है। ग्रामीण बिहार के मूल निवासी शैलेंद्र कहानी और उसके पात्रों से जुड़ाव महसूस कर सकते थे और उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए कहानी के अधिकार हासिल किए। शैलेंद्र और बसु भट्टाचार्य चाहते थे कि महमूद हीरामल और नूतन हीराबाई के रूप में काम करे। हालांकि नूतन उस वक्त गर्भवती थी और फिल्म स्वीकार नहीं कर सकी। यह फिल्म अंततः 1966 में स्क्रीन पर प्रदर्शित हुई।
लेकिन पहले 3 हफ्तों में दर्शकों को लुभाने में असफल रही थी। हालांकि तीसरी कसम भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना योग्य स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी राख से फिनिक्स की तरह उठी। फणीश्वरनाथ रेणु ने ऑन रिकॉर्ड कबूल किया है कि फिल्म कहानी से बेहतर थी। फिल्म अपने प्रभाव में चाहे वो कलात्मक हो, सौंदर्यात्मक हो या भावनात्मक हो, अपने स्रोत पाठ मारे गए गुलफाम से कहीं आगे है। उन्होंने कहा, फिल्म देखने के बाद मुझे जो रोमांच महसूस हुआ वो कहानी लिखने में महसूस किए गए रोमांच से 100 गुना अधिक था। तीसरी कसम एक सभ्य और उदास फिल्म है। जो देहाती विचारक हैं उनका कहना है कि तीसरी कसम एक असाधारण और सुंदर गीत यानी गीतात्मक भारतीय शुद्ध फिल्म है। यह एक उत्कृष्ट रचना में अद्भुत छिपा हुआ गहना है। लेकिन यह फिल्म कुछ महीनों बाद में प्रशंसित हुई, संयमित और एक तरफा प्यार के चित्रण में भी प्रसिद्ध थी। तीसरी कसम में शैलेंद्र गीतकार थे, लेकिन यह फिल्म निर्माता के रूप में दर्शकों के लिए एक विरासत छोड़ी है। शैलेंद्र और कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु संवाद के लिए मौजूद थे। दोनों पर फिल्म का अंत बदलने का भारी विवाद और दबाव था। राज कपूर और फिल्म के फाइनेंसर को फिल्म के अंत को लेकर आपत्ति थी। वे चाहते थे कि शैलेंद्र फिल्म के दुखद अंत को हीरामन और हीराबाई के मिलने और एक साथ चले जाने में बदल दें। इस बदलाव में वे व्यावसायिक रूप में सफलता देख रहे थे। राज कपूर की सलाह पूरी तरह निराधार नहीं थी। उनके पास इसके लिए पर्याप्त अनुभव था कि अर्थशास्त्र और अच्छी फिल्म निर्माण हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ कहानी का मूर्त रूप में मूल भाव ही खत्म हो रहा था। शैलेंद्र ने आखिरकार कहा कि कहानी के रचनाकार अगर इस बात पर सहमत हो जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। फणीश्वरनाथ ने कहा कि अगर कहानी में या अंत में बदलाव किए जाते हैं तो मेरा नाम का क्रेडिट हटा दिया जाए। हालांकि रेणु और शैलेंद्र के दृष्टि में अंत दुखद था, लेकिन अपरिहार्य था। वस्तुतः इसका कोई दूसरा छोर हो ही नहीं सकता था। न केवल यह फिल्म के शीर्षक के साथ टकराव होगा, बल्कि उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में इस तरह के रोमांस को स्वीकार करना भी असंभव होगा। जब विवाहित महिला एक बाहरी वस्तु थी। निर्देशक बासु भट्टाचार्य भी कहानी और शैलेंद्र के विजन के प्रति पूरी तरह वफादार रहे। खाओ कसम, फिर कभी कंपनी की बाइक को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। उन्होंने भी शैलेंद्र की तरह अपनी फिल्म के लिए कोई सिनेमाई मिलावट न लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के पारंपरिक प्रचलन से दूर रहकर कहानी की शुद्धता और यथार्थवाद की अखंडता को बनाए रखा। वह ग्रामीण भारत, दर्द और दुख, मानव प्रकृति, संबंध, संस्कृति और रीति रिवाजों और सबसे ऊपर अनकही बातों पर जोर देते हुए एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला चित्रण करते हैं। भट्टाचार्य तीसरी कसम को यथार्थवादी अनुभव देने में कामयाब रहे थे। उसमें उनके गुरु बिमल रॉय का सीधा प्रभाव दिखता है। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने तीसरी कसम में एक साथ मिलकर एक संगीतमय सतही सिनेमा पेश किया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। 169 मिनट की यह फिल्म, जिसमें 40 मिनट तक एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट 10 गाने हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के सजन वाबेरी हो गई लैला तो पुत्र जी पिया दे बल को नहीं झूले। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन जिन्हें गाया गया है मुकेश द्वारा, लता मंगेशकर, मन्ना डे, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, मुबारक बेगम और शंभु शंकर ने। इस फिल्म की कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। मेरे एक शानदार
आदरणीय दर्शक एनबी सिंह जी ने तीसरी कसम पर एक वीडियो बनाने का अनुरोध किया था। हालांकि मैंने काफी संक्षिप्त में बातें रखी है, कुछ गलतियां हो तो मुझे मुआफ करेंगे। धन्यवाद। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। प्यार तू या जाया द्वास्त।